जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हाँ, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है BNB को नंबर वन न्यूज चैनल बनाने में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता, आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। गांव की सरकार 2022, जहां पूरा राज्य इस लोकतंत्र के महापर्व में व्यस्त है, वहीं चुनाव को लेकर नामांकन कराने में प्रत्याशियों में काफ़ी व्यस्तता देखी जा रही है। चुनाव में जीत हासिल करने के दावे कर रहे हैं, वहीं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद पंचायत की नज़र पूरे प्रखंड क्षेत्र को है। दरअसल बेंगाबाद गिरिडीह शहर से सबसे सटा हुआ प्रखंड मुख्यालय है, जहां से पूरे प्रखंड की विकास की गाथा लिखी जाती है। इस बार पंचायत चुनाव में दो दिग्गजों के बीच मामला फंसता नजर आ रहा है। इस बार का चुनाव अनोखे अंदाज में होने की कल्पना की जा रही है। अब देखना यह है कि जनता किसके हाथ मजबूत करती है और किसके सर में ताज रखती है। एक तरफ निवर्तमान मुखिया रीता गुप्ता है, तो वहीं दूसरी तरफ से सिंह परिवार से चुनाव मैदान में है। बताया जाता है कि पंचायत चुनाव लोकल चुनाव होता है, जिसमें जनता पूरे खानदान को खंगालती है, फिर मतदान किया जाता है। इस बार का चुनाव बेंगाबाद पंचायत मुखिया पद को लेकर जबरदस्त खींचतानी चल रही है। जनता का रुझान किधर जाएगा कहना मुश्किल है। फिलहाल दोनों दिग्गज अपने अपने वोटरों को रिझाने में जुटे हुए हैं। जनता और बुद्धिजीवियों की नज़र बेंगाबाद पंचायत पर है, क्योंकि बेंगाबाद पंचायत में मुखिया पद को लेकर दो धनाढ्य परिवार आमने सामने है। दोनों की सीधी टक्कर है। दोनों प्रत्याशियों के लिए करो मरो की स्थिति भी बन गई है। मान सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई में कौन फतेह करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोनों पर नज़र सबकी बनी हुई है। एक तरफ अजय राम तो दूसरी तरफ विजय सिंह है। दोनों के धर्म पत्नियों की प्रतिष्ठा का सवाल है। गौरतलब हो कि बेंगाबाद के सार्वजनिक दुर्गा मंडपम के अध्यक्ष सचिव पद पर विगत 20 वर्षों से पदासीन हैं और चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। देखें स्पेशल रिपोर्ट हमारे BNB हेड जगन्नाथ प्रसाद की, ग्राउंड रिपोर्ट। जनता का क्या है कहना, मूड और क्या कहती है वोट। तो फिर बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व झारखंड में जो चल रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जहां आप देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय का यह नज़ारा है, जहां पर मेला सा नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। उधर बैरियर लगा हुआ है, बैरिकेड, ताकि अंदर लोग नहीं आ सके, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक अंदर नहीं आ सके। यहाँ सिर्फ प्रस्तावक, समर्थक और प्रत्याशी ही अंदर जा रहे हैं, जिसका नज़ारा मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जो देख पा रहे हैं पूरा पुलिस व्यवस्था, जो दुरुस्त व्यवस्था है, महिला पुलिस भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का भी प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। तो देख पा रहे हैं महिला पुलिस भी यहाँ मौजूद है और पुलिस बल भी उधर मौजूद है। तो निश्चित रूप से यहाँ का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, वह एक कहते हैं ना कि पर्व सा नज़ारा है। लोगों का भीड़ और हुजम उमड़ा पड़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त है। और यहाँ मतलब यूँ कहें कि फैसला और डिसीजन तो जनता ही करेगी, लेकिन सब अभी जीत के दावे कर रहे हैं। बेंगाबाद के एक गणमान्य प्रबुद्ध लोगों में से तरुण कुमार राय जी हैं और यहाँ पहुँचे हुए हैं, आकलन और मुआयना और कुछ इनसे लेते हैं क्या आखिर गाथा जो लिखी जाएगी बेंगाबाद प्रखंड की प्रत्याशियों के द्वारा कैसे क्या होगा जनता के द्वारा, थोड़ा सा हम लोग इनसे विचार विमर्श में लेते हैं। जी भैया बताइएगा, अभी पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव है, आम जनता को ये जो मौलिक अधिकार, उसमें सबसे बड़ा अधिकार है, उसका उपयोग करना चाहिए। और आज जनता जागरूक हो चुकी है सारे माध्यम से, आप जो पत्रकार बंधु हैं, सोशल मीडिया है, इससे जनताओं में, गांव-गांव के जनता में बहुत जागरूकता आई है और वो अपना विवेक का परिचय इसमें देंगे। वो चाहेंगे कि सामाजिक सौहार्द बनी रहे, विकास कैसे हो, वो सूझबूझ के साथ अपना वो मैंने जो प्रतिनिधि है उसका चयन करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर जी क्या लग रहा है इस बार का चुनाव, कुछ अलग सा लग रहा है? देखिए भैया, चुनाव जो है सो आम जनता के लिए है, फायदे के लिए सरकार मैंने कराती है का होता है। इसमें से
आम आदमी को, आम नागरिक को चाहिए कि जो मेरे साथ 24 घंटा 365 दिन लगन से ईमानदारी से जो समाज में काम करता है उसको ही वोट देना चाहिए। बिल्कुल, कोई अमीर गरीब उससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा बात सुधीर जी ने कहा कि 365 दिन 24 घंटे। एक हमारे बेंगाबाद के वरिष्ठ पत्रकार संजय सरन जी भी है, थोड़ा दो शब्द पंचायती चुनाव को लेकर आप कह सकते हैं भैया? ऐसा देखिए, नहीं कहते तो फिर गलत मैसेज है। मैं आचार संहिता की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा बात ना रखें। आप एक निष्पक्ष संकलन करता हूँ, एक बार नहीं, क्या कहना चाहेंगे? समाचार संकलन निष्पक्ष होता है, मैं किसी के कुछ नहीं, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलता, मेरा अखबार बोलता है। अखबार आपका बोलता है, लेकिन फिर भी आज जो मेरा सा नजारा है, प्रत्याशियों की हुजम लगी हुई है, क्या लग रहा है भैया? थोड़ा सा दो शब्द कह दीजिए कम से कम। प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, अब ये आने वाला समय बताएगा कि जीत किसके। जनता भाग्य बदलेगी या रखेगी, तो निश्चित रूप से जनता भाग्य बदलेगी। अशोक जी देखिए, हमारे एक पत्रकार हैं, इनसे जानेंगे कि जो पंचायती चुनाव हुजम लगा हुआ है, प्रत्याशियों का काफ़ी भीड़ है, लोग मतलब ये लोकतंत्र के महापर्व का आनंद ले रहे हैं, कोई दावे कर रहे हैं जीत का, आपका क्या कहना है सर? देखिए, क्षेत्र का माहौल जो दिख रहा है अभी, हाँ, उसके अनुसार से अभी नॉमिनेशन का प्रक्रिया चल रहा है। 27 तारीख तक यहाँ नॉमिनेशन होगा, हाँ। तो अभी जो है सो जनता को लेकर के लोग दिखा रहा है अपना तामझाम लेकर के आ रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जो जो दिखाना है उसको दिखा रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है सो मतदान के बाद होगा, है ना। तब तक हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल भीड़ देख करके ही हम लोग जीत हार का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि जो आदमी इस आदमी के नॉमिनेशन में आ रहा है, अगला नॉमिनेशन वही चेहरा दिख रहा है, इसलिए क्लियर अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम नज़ारा देख रहे हैं, ढोल नगाड़े का आनंद ले रहे हैं, अब देखिए फिर क्या जनता डिसीजन देती है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है अशोक जी ने, कि जो इस प्रत्याशी के नामांकन में आते हैं वो दूसरे प्रत्याशियों के नामांकन में भी आते हैं। यहाँ महेंद्र जी भी देखिए प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, बयान अभी नहीं लेंगे क्योंकि पेड न्यूज हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इधर देख करके मुस्कुरा दीजिए महेंद्र जी, कम से कम चुनाव कराने आए हैं, पसीने से तरबतर हैं, अंदर गए थे, आइए आप लोग को नज़ारा दिखाते हैं अंदर का। तो आप देख पा रहे हैं इधर वार्ड सदस्य के लिए एनआर कट रहा है, वहाँ पर वार्ड सदस्य के लिए एनआर वहाँ पर कट रहा है, और यह प्रखंड मुख्यालय का नज़ारा है, जहाँ पर मतलब यूँ कहें कि प्रत्याशियों का और जनता के द्वारा भाग्य लिखी जाएगी, और जिसकी यहाँ से शुरुआत होती है, काउंटर है ये एनआर कटवाने का वार्ड सदस्य लोगों के लिए, जो मुखियाओं के लिए एनआर कट रहा है। अंदर मुखिया लोग जो उनको अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं, आइए, और देख करके आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इस चुनाव में लोग कितना आनंद ले रहे हैं और इस चुनाव में कितने लोग भाग ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र का महापर्व है, सबकी जिम्मेदारी और सबका अधिकार है, अपना अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब देख पा रही है लोग यहाँ पर मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कतारबद्ध लाइन में लगे हुए हैं, इनका नंबर आता है, उसके बाद ये जाते हैं, और CEO अंदर हैं, अंचल पदाधिकारी वहाँ पर। बताया जा रहा है अभी तक 137 मुखियाओं ने नामांकन करा चुका है, 137 नामांकन करा चुका है, वार्ड सदस्य बताया जा रहा है कि 350 वार्ड सदस्यों ने अब तक नामांकन करा है, और यह जारी है, यह फाइनल नहीं है, जारी है, मुखियाओं का भी नामांकन जारी है और वार्ड सदस्यों का भी नामांकन जारी है। आप लोग को आगे भी BNB दिखाएगी, और निश्चित रूप से खास बात यह होगी कि बेंगाबाद पंचायत पर नज़र सबकी है, क्योंकि यहाँ दो धनाढ़ियों के बीच और दो धनाढ़ियों के धर्म पत्नियों के बीच करो या मरो की स्थिति, और यूँ कहें कि मान प्रतिष्ठा का सम्मान जुड़ा हुआ है, और बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय बेंगाबाद पंचायत गिरिडीह जिले से सटा हुआ है, और खास और पेनी नज़र इस पंचायत पर है। बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां प्रभा सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ निवर्तमान मुखिया रीता देवी है, और पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कई मुखिया प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है, जिसमें मोती लदा सुनबाद बदवारा आदि पंचायतों से आकर के यहाँ पर आज नामांकन कराएं, जिसमें 137 मुखियाओं ने नामांकन करा लिया है और 340 लगभग वार्ड सदस्यों ने नामांकन कराया है। आगे आप लोग को BNB दिखाएगी, बने रहे BNB के साथ और देखते रहें कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 25 पंचायतों में अब तक 140 मुखिया पद के प्रत्याशियों ने नामांकन करवा लिया है। बताया जाता है लगातार नामांकन का दौर चल रहे के दौरान मुखिया पद के प्रत्याशी अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर मंदिरों में माथा टेक कर नामांकन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इधर बेंगाबाद पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी प्रभा सिंह परमालौकिक जगन्नाथ धाम पहुंचे और माथा टेक करके बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय गर्मजोशी के साथ पहुंचा और नामांकन करवाया।
बताया जाता है बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में अब तक जहां 140 मुखिया पद के प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है, वहीं वार्ड सदस्यों ने 350 वार्ड सदस्य के पद के प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया है। बताया जाता है बड़े ही गर्मजोशी के साथ नामांकन कराने के लिए पहुंच रहे मुखिया पद के प्रत्याशी और उनके समर्थकों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी लगाए जा रहे हैं। जीतेगा भाई जीतेगा आदि के नारे लगा रहे हैं और गर्मजोशी के साथ प्रखंड मुख्यालय पहुंच करके अपने पसंदीदा मुखिया पद प्रत्याशियों का साथ दे करके नामांकन कराने में सहयोग करने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है आखिरी और अंतिम डेट 27 तारीख है, 2 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी मुखिया पद के प्रत्याशियों का नामांकन कराने का भीड़ लगातार उमड़ ही रहा है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चितमाडी पंचायत में 2 सगे भाई एक ही घर के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि बड़े भाई रवि यादव वहीं दूसरे भाई देबू यादव दोनों मैदान में डटे हुए हैं। इधर बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ओझाडी पंचायत, सोनबाद पंचायत, मोतीलैदा पंचायत, तेलोनारी पंचायत आदि मुखिया पद के प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ प्रखंड मुख्यालय पहुंच करके नामांकन करवाया। वहीं वार्ड सदस्यों के लिए NR कटवाने के लिए लंबी लाइनें भी देखी गई। वहीं महिला प्रत्याशियों का इस बार काफ़ी तादाद में देखने को मिल रहा है। इधर लोग काफ़ी गर्मजोशी के साथ अपने प्रत्याशी
क्या मतलब आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, बताएंगे? आज हम लोग ओझाड़ी पंचायत से महेंद्र महतो मेरा नाम हुआ और मुखिया पद के लिए मैं चुनाव में नॉमिनेशन किया। चमुखी विकास हो हमारी पंचायत का, लोगों में एक आशा जगी है हमारे प्रति, वो आशा को मैं पूरा करूँगा और चमुखी विकास करके और मॉडल पंचायत के रूप में मैं ओझाड़ी को बनाने के लिए मैं अति प्रयास करूँगा। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।